नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कलराज कुमार टकिज के पीछे फर्नीचर मार्केट में आग लगने के कारण कई दुकानदार बर्बाद हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी युवजन महानगर अध्यक्ष अहमद खान टीटू ने अपनी टीम के साथ हादसे स्थल पर पहुँच कर जायजा लिया। इसी के साथ ही उन्होंने देखा कि 22 दुकानदारों का लाखों का माल जल कर खाक हो चुका है, जिसमें उन्होंने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। वहीं जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मिका वारसी भी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों के हालचाल जाने। इसी के साथ ही जो 22 दुकानें जली हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया और व्यापारियों ने कहा है कि हमें जल्द से जल्द प्रशासन से सहयोग मिले। कुमार टाकिस पे रात आग लग गई थी, दुकानों के अंदर मार्केट है ये फर्नीचर की, यहाँ पे आग लग गई थी। इसी का मुआयना करने हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों से हमने पूछा कि कैसे आग लगी थी। यहाँ बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के जरिए यहाँ आग लगी थी। हमने जब मुआयना करा टीम के साथ तो हम लोगों ने सबने पूछा इनसे क्या चाहते हैं, तो मेरा जिला प्रशासन से यही अनुरोध है, निवेदन है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द इनकी दुकानें चालू की जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि फरीदपुर में कई अवैध कब्जे हो रहे हैं, लगातार जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए उन्होंने बताया। आपका भगवान दास, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं हमारी जगह जो है कब्जा कर ली है और खाली नहीं कर रहे हैं, और कई है खाली करने को, कई खाली कराने वाले अब और लेने वाले। कहाँ पे जगह है आपकी? ओसड़ में है साहब। थाना फरीदपुर है। अच्छा, फिर क्या वो? तो धमकी दे रखी है, वैसे हम आ दे रहे हैं और खाली नहीं कर। कौन धमकी दे रहा है? यादव है। क्या नाम है, नाम क्या होगा? सौदाना सत्यपाल और कचूरी के लड़का है। आप थाने गए थे? जी थाने गए, सिगरे कार्रवाई कर चुके, यहाँ भी करी, कोई कार्रवाई हुई? सुनवाई नहीं हुई साहब। ठीक, आपका नाम क्या? डॉक्टर पीपी सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष। सर, आज शिकायत लेके आए हैं, इनकी क्या कहना चाहते हैं? इसके मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार ज्ञापन के साथ हम लोगों ने एक इनका भी पत्र दिया था, जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था कि इसका पट्टा जो है जल्द की जल्द पट्टे वाली जगह खाली करवा दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये गरीब बेचारा मारा मारा घूम रहा है, इस पर खाने को नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसे शीघ्र से शीघ्र इसकी जगह खाली करा दी जाए और वहाँ इसका जो सरकारी आवास बनवा दिया। बरेली के तहसील नवाबगंज के कई गांवों में नवाबगंज विधायक केसर सिंह गंगवार ने याकूपुर फरीदपुर उर्फ नवादा गांव के सीएससी नवाबगंज नगर में मोहल्ला नवाबगंज में जाकर कई क्षेत्रों में जाकर लोगों को फल वितरित किए। इसी के साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद मरीजों को भी फल वितरित किए। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन का, जिसको मनाते हुए उन्होंने ये कार्य करते हुए बताया। ये माननीय मोदी जी के जन्मदिन में हम लोग पार्टी के संगठन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि सारे लोग साप्ताहिक मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य हो रहा, कल भी हमारे मंडल अध्यक्षों ने यहाँ कार्यक्रम किए सफाई अभियान के, और आज भी हमने अस्पताल में जाकर जो फल वितरण थे, मरीज वहाँ पर एडमिट थे या ओपीडी में थे, उन लोगों को फल वितरण किया, फिर याकूपुर में किया गरीब मलिन बस्ती में, और फिर अपना नवादा में जाके फल वितरण किया, और इसके बाद अभी यहाँ पर डॉक्टर पूजा जी के यहाँ पर कार्यक्रम था, इसमें सम्मिलित हुए, और अब यहाँ पर मंदिर पर एक सफाई अभियान इसी उपलक्ष्य में कि लोग प्रेरणा लें जी। गरीबों का एक घर पर केक काट लिया और अपना मौज मस्ती ले ली, लेकिन वो जो है उनका अपना कहना है, ऊपर से निर्देश हुए कि मोदी जी का जब इतनी लोकप्रियता है तो लोकप्रियता उनकी क्यों है, कैसे है, काम करने के आधार पर ही है, तो उन गरीबों के बीच में खुशी मनाओ जाके, उन्हें कम से कम केला और सेब खिलवाओ, फल फ्रूट खिलाओ, जिससे कम से कम वो लोग कहें कि हाँ, उन्हें पता लगे कि मोदी जी का जन्मदिन है। और गरीब जब किसी चीज़ की कामना करता है तो उनकी दीर्घायु की जब कामना करेंगे तो मोदी जी और ज़्यादा उम्र भी उनकी लंबी होगी और काम करने की गति मिलेगी उन्हें, ऐसा हमारा लोगों का मानना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम पार्टी के सारे संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हमारे और मैं यहाँ उपस्थित हैं, और अभी ये कार्यक्रम हमारा निरंतर इसी तरीके से गाँव में भी। सर्व समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुँच कर एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लगातार कई विभागों को निजीकरण में तब्दील किया जा रहा है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं सरकार अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे निर्णय को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। निजीकरण नहीं।
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रेलवे का निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। निजीकरण के खिलाफ ये विरोध किया है, धरना किया है। आज हम जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। जो नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उसके खिलाफ, जो मोदी जी आज देश को बेच रहे हैं, बिजली बेच दी, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया और आज रेलवे स्टेशन भी बेचने को आमदा है। हम इन चीज़ों के, इन नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये आप हमारी जितनी भी जनता है उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि निजीकरण का मतलब क्या हुआ। निजीकरण का मतलब हुआ शोषण, निजीकरण का मतलब हुआ गुलामी। यानी कि जो 200 साल अंग्रेजों ने जो हम पर हुकूमत की है वही हुकूमत ये आज नरेंद्र मोदी सब चीज निजी हाथों में बेचकर हम पर गुलामी करना चाहते हैं। हम तो निजी हाथों में दे करके हम पर शोषण करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी सन 2013-14 में एक नारा दिया करते थे, ना मैं देश को झुकने दूंगा, ना बिकने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खिलाऊंगा। लेकिन हमने देखा आपने खाया भी, खिलाया भी और पैक कराकर बाहर भी भेजा। और हमने ये भी देखा कि तुमने देश को चाइना के आगे झुका भी दिया। और हमने ये भी देखा आपने कहा कि देश को हम बिकने नहीं दूंगा। और हम ये देख रहे हैं कि आप देश को बेचने को आमदा है। अधिवक्ताओं में अज्ञात बदमाश के खिलाफ SSP को सौंपा ज्ञापन। पिछले काफी समय से प्रेम नगर के इंदिरा नगर में रह रहे स्वर्ण सिंह अधिवक्ता काफी परेशान हैं। इनको कुछ अज्ञात लोग परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने SSP बरेली से गुहार लगाई है। सिंह एडवोकेट है। क्या मामला? और एक साल से पिछले मेरे घर के ऊपर, घर में मेरे घर पे अटैक किया जा रहा है। ये तीसरी बार परसों, अभी एक करीब 7-8 महीने पहले मेरे घर के अंदर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी जलती कपड़ा गाड़ी में घर जलाने का प्रयास किया गया। और उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद फिर इसी प्रकार से जलता हुआ कपड़ा फेंका गया। अभी 15 तारीख को रात के 8 बजे मेरे घर में गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसके ऊपर CCTV कैमरे भी लगे मेरे घर के बाहर, उस पर गाड़ी पे अटैक किया गया, गाड़ी तोड़ी गई। एक अज्ञात व्यक्ति जो स्कूटी पे आया, जिसके मुँह पे कपड़ा बंधा था, और शातिर अपराधी है जो, और पीछे उसकी एक्टिवा नंबर प्लेट पर कपड़ा लगा हुआ था, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के चला गया। और मैं तत्काल, जिसकी सूचना मैंने पुलिस वालों को, थाना प्रभारी को भी दी प्रेमनगर को, और अपराधी शातिर किस्म का है, कभी भी मेरे साथ कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। जो सीसी कैमरे में भी कुछ CCTV फुटेज में भी आया, उसका मुंह पे कपड़ा है, उसके नंबर प्लेट पे कपड़ा लगा हुआ है। कप्तान जी ने क्या, कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच करा के तत्काल अपराधी को पकड़ाएंगे। ये कहा कप्तान साहब ने, ये कहा है कि में डायल 100 पर एक सूचना दी जाती है कि बरेली में जाटापुरा में मस्जिद में नवाज को लेकर बवाल हो गया है। मौके पर पहुंचती है पुलिस, जिसके बाद पता चलता है किसी खुराफाती ने यह हरकत की है। इसी के साथ ही वहां के लोगों ने बताया, नमाज का जुमे की टाइम हो रहा था, हमारे यहां 1:30 बजे का टाइम मुकर्रर है, लगभग 5 मिनट रह गए होंगे, तो बाइक से मैं यहाँ आया क्योंकि मस्जिद बंद थी। मैंने कहा मैं भी घर पढ़ लूंगा, 8-10 लोगों के साथ, यहाँ शहनावाज नाम का लड़का है और वो कुछ नेतागिरी भी अपना करता है, भीड़ भाड़ के साथ उसका काम ही ये है कि यहाँ मजमा लगाना और खड़े रहना, खुराफाती शख्स है वो, लोगों को चाहता था, 8-10 लोगों के साथ में था, नमाज जबरदस्ती पढ़ना चाहता था, उसको पढ़ने नहीं दी। बस हम मस्जिद अंदर से बंद थी, इमाम साहब को हमने कह रखा है कि 5 से ज़्यादा नमाज ना पढ़वाओ, जब सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी जितने लोगों की उस हिसाब से हम नमाज पढ़वाएंगे। वो उस पर बहस कर रहा था और उसी ने पुलिस बुलवाई, पुलिस आई, 100 नंबर की गाड़ी थी, नमाज हो गई, मस्जिद खुली, तो उसमें 5 ही आदमी देखे पुलिस ने कि 5 ही आदमी थे। यहाँ लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे ये अफवाह फैला दी गई लड़ाई कि मस्जिद नमाज को लेकर कुछ विवाद। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं वार्ड 69 शाहबाद से पार्षद हूँ, निवास मेरा यहीं मस्जिद के, एक रात की मस्जिद के बराबर में है, वार्ड 61 में। तब पता चला 100 नंबर पुलिस आई है, तब मैं निकल के आया, यहाँ देखा तो 5-6 लोग मौजूद थे, बोले सब जगह नमाजें 50-50, 100-100 लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ अंदर से किवाड़े बंद करके नमाज़ पढ़ाई जा रही है, हमें कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। तब दरवाज़ा खुलवाया गया, देखा तो इमाम साहब सहित 4-5 लोग थे, तो उनसे कहा इन्होंने 100 नंबर से के साहब, बाकी और लोग भी थे वो पीछे से चले गए, तो उन्होंने कहा भाई आपको वीडियो बनाना चाहिए थी, अगर और लोग थे तो इमाम साहब ने कहा कि सिर्फ 5, इससे ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे लोग।
अब वजह यही हो सकती है कि वो पढ़ना चाहते थे नमाज, उन्हें इजाज़त नहीं मिली, उसको लेके उन्होंने कोई नया दरवाज़ा पीटा गया है पहले, उसके बावजूद उसके बाद काफ़ी देर तक पीटा गया, फिर खुलवाया गया, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं नहीं, दरवाज़ा तो इमाम साहब जब सुन्नतें पढ़ रहे थे, नमाज का वक्त था, यहाँ पर जब दरवाज़ा पीटा गया तो कुछ ही देर बाद वो सुन्नतें पढ़ के आ गए, उन्होंने गेट खोल के दिखा दिया कितने लोग मस्जिद में है। 24 घंटे बीतने को जा रहे हैं लेकिन आग अभी तक शांत नहीं हुई है। कुमार टॉकीज के पास बने फर्नीचर मार्केट में बीती रात आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर दर्जनों दमकल की गाड़ियां पहुंची थीं, लेकिन जिसके बाद आज दोपहर में एक बार आग फिर से भड़क गई, जिसके बाद फिर से आनन फानन में मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया है। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नरसुआ में मृतक पति राम का खेत की मेड़ को लेकर सौतेले भाई से विवाद हो गया, जिसके चलते उनमें खूनी संघर्ष हो गया। विवाद का इतना मामला को तूल पकड़ा है, जिसके बाद लगातार दोनों में मारपीट हुई और उसके बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बारे में सीओ बहेड़ी रामानंद राय ने घटना की जानकारी देते हुए कहा। ये सुबह जो बंजरिया चौकी थाना अंतर्गत है, ये आपसी एक भाई लोग थे, पिता के एक लड़के थे और एक दूसरे के चार पांच लड़के लोग, और इनका मेढ़ का विवाद था आपस में। उसी विवाद में ये 6 बजे घर से निकले हैं, आए हैं अपने खेत पर बताने के हिसाब से, और ये लोग गुम्मा से लड़ाई झगड़ा हुई है, गुम की चोट लगी है जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। मौत के किस कारण हुई है? अब ये तो बता रहे हैं कि गुम्मा, जैसे गुम्मा होता है लाठी या से मारने से हुई है, लेकिन अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही होगा कि मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि शरीर पर किसी भी प्रकार कोई चोट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें।